अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपके घर में लगा हुआ यूपीएस, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी रेटिंग का हो, किसी भी ब्रांड का हो, जैसा कि आपके ये सामने नजर आ रहा है कि ये होममेज कंपनी का यूपीएस है, तो आपके पास चाहे होममेज का यूपीएस है, इको स्टार का है, इनवरक्स का है, या फिर हुंडई का है, या फिर कोई देसी बना हुआ यूपीएस भी है, वो जब किसी भी बैटरी को वापडा से यानी कि ग्रिड की सप्लाई से या के इलेक्ट्रिक से चार्ज कर रहा होता है, यहाँ पर मैं सोलर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्रिड की सप्लाई की बात कर रहा हूँ, कि जब आपका यूपीएस किसी भी बैटरी को, चाहे वो ड्राई बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी हो, ट्यूबलर बैटरी हो या फिर कोई भी बैटरी हो, उसको जब आप यूपीएस की मदद से वापडा से चार्ज करवाते हैं, तो इससे आपका यूपीएस वापडा से कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, कितने यूनिट्स जो है वो बिजली के कंज्यूम होते हैं एक बैटरी को फुली चार्ज करने में, और हमारे महीने के जो बिजली का बिल है उसके ऊपर ये कितना असरअंदाज होता है। तो आज की वीडियो इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से चेक कराऊंगा कि जब कोई भी यूपीएस किसी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है तो उस दौरान वो कितनी एम्पेयर वापडा से करंट लेता है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो होगी, कोशिश करें कि आप इसको पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी है मेरे पास, ये फिनेक्स कंपनी की TX 1800 ट्यूबलर बैटरी है। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है या ड्राई बैटरी है, तो उस केस में भी यूपीएस ने बिल्कुल उसी एम्पेयर से और उसी करंट से चार्ज करना है जितना कि वो एक आम बैटरी को चार्ज करता है या फिर किसी ट्यूबलर बैटरी को चार्ज करता है। और इस बैटरी के वोल्टेज शो करने के लिए ऊपर ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जो कि इस वक्त 12.1 वोल्ट जो है वो शो कर रहा है। अब इसके साथ यहाँ पर जो यूपीएस लगा है, ये होममेज कंपनी का ट्रॉन डू जो मॉडल है, ये यूपीएस है जो कि 1.2 KVA यानी कि 1000 वाट कैटेगरी का यूपीएस है। और इसके साथ ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सोलर की वायर है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल उतारी हुई है। इस वक्त सोलर इसके साथ अटैच नहीं है। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा ये ओनली वापडा यानी कि ग्रिड की सप्लाई के ऊपर होगा। यहाँ पर इधर से वापडा की जो मेन इनपुट है ये जा रही है इस यूपीएस के अंदर, जिसको आप अभी देख सकते हैं कि मैंने ऑफ रखा हुआ है। उसके बाद ये जो सप्लाई है ये हमारी लोड को जा रही है, और इसी तरह से ये जो दो टर्मिनल हैं ये यहाँ पर बैटरी के अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों आपने जहन में ये रखनी है कि चाहे आपके पास 1000 वाट का यूपीएस है, चाहे 2000 वाट का, 3000 वाट का, चाहे वो देसी यूपीएस है, चाहे वो इस तरह का ऑटोमेटिक किसी कंपनी का बना हुआ यूपीएस है, जब वो किसी भी एक बैटरी को वापडा से चार्ज कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी जो चार्जिंग करंट होती है बैटरी की, वो होती है 18.75 यानी कि 18.75 एम्पीयर डीसी करंट से जो है कोई भी यूपीएस आपकी बैटरी को चार्ज करता है। अब ये चीज मैं आपको इस क्लैंप मीटर की मदद से कराता हूँ वेरीफाई। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है कि जो वापडा की सप्लाई है उसको मैंने अभी बंद किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो आपको करंट शो होगी ये इसकी डिसचार्जिंग करंट होगी, यानी कि जो लोड चल रहा है हमारी बैटरी से वो शो होगा। तो यहाँ से मैं इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है इसको यहाँ से ये डीसी करंट के ऊपर सेट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त आ रही है करंट -24.98 यानी कि इस वक्त जो हमारी बैटरी है प्यारे दोस्तों ये -25 एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है। ये चीज जहन में रखें कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो उस वक्त मीटर के ऊपर माइनस साइन आता है, और जब ये चार्ज हो रही हो यूपीएस इसको चार्ज कर रहो तो उस वक्त यहाँ पर कोई साइन नहीं आता, यानी कि प्लस का साइन होता है। तो -25 एम्पीयर का मतलब यह है कि इस वक्त हमारी बैटरी -25 एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसकी वापडा इनपुट को ऑन करता हूँ तो उसके बाद हमारा जो यूपीएस है वो इस बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ और अभी आप यहाँ पर करंट देखिएगा, अभी ये डिस्चार्जिंग शो कर रहा है, और अभी ये फौरन से जब इसको डिटेक्ट करेगा तो फौरन से यहाँ पर ये देखें 19.53 इस वक्त डीसी करंट जा रही है और ये पॉजिटिव में जा रही है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस वक्त हमारी जो वापडा की इनपुट सप्लाई है वो इस यूपीएस की मदद से इस बैटरी के अंदर जा रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि कोई भी यूपीएस वापडा से किसी भी बैटरी को 18 या 19 एम्पीयर डीसी करंट लेकर जो है वो डिस्चार्ज करता है, जैसे कि अभी आपको ये नजर आ रहा है। तो अब जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी चार्जिंग बढ़ती जाएगी, उसी तरह से इसकी ये जो चार्जिंग करंट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि अभी आपको 19 एम्पीयर शो कर रहा है, उसके बाद ये 18 पे आएगा, फिर 17, 16, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर इसकी ये चार्जिंग करंट बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो यूपीएस इस वक्त इस बैटरी को 18.91 एम्पीयर से चार्ज कर रहा है, तो इस वक्त वापडा से ये कितनी पावर ले रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ये जो इसकी वापडा इन आ रही है, इसकी ये वायर को मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं एसी करंट आपको चेक कराता हूँ कि इस बैटरी को चार्ज करने के दौरान ये यूपीएस वापडा से कितनी करंट ड्रॉ करता है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए प्यारे दोस्तों
दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वाप्टा इनपुट आ रही है ये इस 329 वायर के थ्रू जा रही है। तो मैं अब इस वायर के ऊपर जो है ये मीटर को क्लैंप करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी है। तो ये देखें कि अभी एसी करंट शो हो रही है प्यारे दोस्तों तकरीबन 1.9 यानी कि 2 एम्पेयर। इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि जब हमारा ये यूपीएस इस बैटरी को 19 एम्पेयर डीसी करंट से चार्ज कर रहा होता है तो उस वक्त ये वाप्टा से यानी कि के इलेक्ट्रिक ये ग्रिड की सप्लाई से पूरे 2 एम्पेयर एसी करंट जो है वो ड्रॉ करता है। और 2 एम्पेयर एसी करंट का मतलब दोस्तों ये है कि आप यूं कह लें कि वोल्टेज जो है वो 230 है, करंट 2 एम्पेयर है और इसके साथ पावर फैक्टर अगर हम 0.7 या 0.8 रख लें तो ये सीधे सीधे तकरीबन 350 वाट के आसपास पावर बनती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब कोई भी हमारा यूपीएस है वो कितनी भी वैल्यू का हो किसी भी ब्रांड का हो वो जब किसी भी बैटरी को चार्ज करता है तो चार्जिंग के दौरान वो वाप्टा से या के इलेक्ट्रिक से या ग्रिड की सप्लाई से 2 एम्पेयर करंट जो है वो ड्रॉ करता है। और 2 एम्पेयर करंट का मतलब ये है कि 350 वाट जो पावर है वो कंज्यूम होती है। और प्यारे दोस्तों यही चीज मैं अगर आपको बिजली के एनर्जी मीटर की 5 नंबर रीडिंग के जरिए वेरीफाई कराने की कोशिश करूं तो ये अभी आप यहां पर देख पाएंगे ये देखें 339 वाट। इसका मतलब है कि जब भी कोई बैटरी चार्ज हो रही होती है यूपीएस के जरिए और वो वाप्टा की सप्लाई पे चार्ज हो रही होती है तो उस वक्त वो बिजली से तकरीबन 340 या 350 वाट जो है वो पावर कंज्यूम कर रही होती है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये तो चूंकि एक फुल साइज बैटरी है यानी कि 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो जब एक फुल साइज बैटरी चार्ज हो रही होती है यूपीएस से तो उस वक्त वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300 से 350 वाट जो है वो पावर कंज्यूम कर रही होती है। हाँ अगर आपकी बैटरी छोटे साइज की है जैसे कि ये 200 एम्पेयर आवर की है तो आपकी अगर 100 एम्पेयर आवर की है तो वो हो सकता है कि 200 वाट जो है वो पावर कंज्यूम करें जब वो चार्जिंग कंडीशन में हो। और ये 350 वाट भी लगातार नहीं आ रहे होते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे बैटरी की चार्जिंग बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसकी जो चार्जिंग करंट है वो कम होती रहती है और वैसे वैसे ही इसकी जो वाप्टा से कंज्यूम होने वाली पावर है वो भी नीचे आती रहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता ये चला दोस्तों कि कोई भी फुल साइज बैटरी किसी भी टाइप की जब उसको यूपीएस वाप्टा की सप्लाई से चार्ज कर रहा होता है तो एवरेज आप लगा लें कि तकरीबन 250 से 300 वाट जो है वो बिजली की जो पावर है वो कंज्यूम करता है। और 250 से 300 वाट पावर का मतलब यह है कि अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है और आपकी बैटरी जो है वो ज्यादा टाइम जब भी बिजली आती है तो चार्जिंग पे लगी रहती है यूपीएस उसको चार्ज करता रहता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक दिन में आपका 1 से 1.5 यूनिट जो है वो बिजली की कंज्यूम कर लेता है यूपीएस सिर्फ बैटरी को चार्जिंग करने के दौरान। यानी कि अगर आपके घर में इस तरह की एक फुल साइज 200 एम्पेयर आवर की बैटरी लगी हुई है और एक अदर यूपीएस लगा हुआ है तो सिर्फ ये जो आपका सेटअप है ये जो आपका यूपीएस है ये सिर्फ बैटरी चार्जिंग की मद में आपके महीने के बिजली के बिल में तकरीबन 40 से 70 यूनिट के दरमियान जो है वो बिजली में इजाफा करेगा। लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये डिपेंड करता है आपकी लोड शेडिंग के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग ज्यादा होती है तो फिर हो सकता है कि ये आपके 100 यूनिट भी बढ़ जाए इससे। तो इसी चीज का जो सोल्यूशन है ना दोस्तों वो है सोलर सिस्टम। अभी ये जैसे देखें ये बैटरी अब चार्जिंग पे ले रही है तकरीबन 15 एम्पेयर और अब मैंने यहाँ पर ये देखें सोलर की वायर्स को भी अटैच कर दिया है, ब्रेकर यहाँ से ऑन है तो ये जो 15 की 15 एम्पेयर डीसी करंट है ना अब ये देखें ये सारी की सारी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये सोलर सिस्टम अब प्रोवाइड कर रहा है। और अभी मैं आपको अगर वाप्टा से दिखाऊं कि वाप्टा से कितनी करंट आ रही है ये मैं इसको देखें एसी के ऊपर करता हूँ और अब मैं देखता हूँ वाप्टा से तो ये देखें ये बिल्कुल 0 एम्पेयर करंट हो गई है। इसका मतलब है कि जब आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ होगा तो उस वक्त आपकी वाप्टा से जो है वो बिल्कुल कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी। अगर आप इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं आइंदा भी तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।